हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस वीडियो में भी वॉक इन इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू काफ़ी आ रहे हैं और डायरेक्ट हायरिंग है, अर्जेंट हायरिंग है। लेकिन इस वीडियो में क्या बोलते हैं, स्टोर मैनेजर और स्टोर सुपरवाइज़र दो की वैकेंसी है। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का नाम है कायक्रो रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है ना। उसमें वैकेंसी आई है, लोकेशन दुबई है, फुल टाइम है और डिग्री डिप्लोमा इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस में बोला गया है आपके पास ज़रूर होना चाहिए, एक साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और 1900 से 2000 2500 के बीच में इसकी सैलरी है। ओवर टाइम जाएगा वो तो अलग रहता है, ओवर टाइम तो हर जगह मिलता है, ठीक है। 1900 से 2500 के बीच में इसकी सैलरी है और दुबई में लोकेशन है, अर्जेंट हायरिंग है। जो भी इस एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट से स्टोर मैनेजर या स्टोर कभी स्टोर उसने हैंड देखा हो, चलाया हो, काम किया हो, उसके पास एक्सपीरियंस किसी कंपनी का है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे जाए। नहीं भी है तब भी जाए, ठीक है ना। काम आता है तो वहाँ पे जाए, काम बताए। और कहीं भी जाया करिए सीधे, जैसे उसने कुछ लगे कि आपको मना कर रहा है तो डायरेक्ट आप उसे डायरेक्ट बोला करिए कि सर अगर आप मेरे को 2 से 3 दिन का ट्रायल दे दीजिए, आप चेक कर लीजिए, अगर मैं उस काबिल नहीं हूँ तो आप मुझे मत रखिएगा, ठीक है ना। ये ज़रूर बोला करिए अगर आपको लगे कि वो नहीं रख रहा है आपको। और उसे बोलिए ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में आप वीज़ा दे दोगे, एक ही दिन में आईडी बन जाएगा, सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 दिन का ट्रायल दीजिए, फिर आप अपना काम दिखाइए, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जॉब लगेगी। किसी भी लाइन में जाया करिए आप, ये चीज़ ज़रूर दिया करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा हिचकिचाता है सामने वाला, तो ये बोलेंगे ना कि मुझे ट्रायल 2 से 3 दिन का ट्रायल दे दीजिए। ट्रायल में आप अपने आप को प्रूफ करिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जॉब लग जाएगी। इंटरव्यू पे ज़रूर जाइएगा, डायरेक्ट हायरिंग है, डायरेक्ट कंपनी में है, नो कंसल्टेंसी, नो एजेंट, डायरेक्ट जाइए। मैं और हाँ सॉरी, इसी रेस्टोरेंट में क्या बोलते हैं कि किचन कैशियर, लाइन कुक और सेफ, फील्ड ट्रेनर और वेटर वेट्रेस, इनका भी जॉब का वैकेंसी आया है। अगर इन सब की रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहा हो तो क्या बोलते हैं कि ज़रूर इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट, अभी इससे पहले मैंने एक होटल की वैकेंसी के बारे में डाला था, काफ़ी रेस्टोरेंट होटल काफ़ी बूम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा कोविड ख़त्म हो गया लगभग, कुछ ही दिनों में मास्क भी बैन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें रेस्टोरेंट होटल बहुत तगड़े से बूम कर रहे हैं, और जो होटल लाइन से होटल मैनेजमेंट के कोर्स किए हैं या पढ़ाई किया है तो इस लाइन में वो अपने आप को अभी से एंट्री कर लें, 4 से 5 साल बाद उनकी पोस्ट भी बढ़ेगी, उनका लेवल भी बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, अच्छी सैलरी भी मिल रही है इसमें, ठीक है ना। तो होटल मैनेजमेंट में घुसें, काफ़ी अच्छा इसका स्कोप है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं है, आप कहीं भी यहाँ से करके इंडिया जाओगे, पाकिस्तान जाओगे या नेपाल, जहाँ के भी होगे, किसी भी यूरोप कंट्री में आप मूव करना चाहोगे तो यहाँ का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही इफेक्ट वहाँ पे डालेगा, आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी एजेंट और किसी कंसल्टेंसी के बारे में मैं कभी नहीं बोलना चाहूँगा कौन अच्छा है कौन बुरा, क्योंकि आप खुद समझदार हो, आप जॉब ढूंढने इतनी दूर आए हो तो समझदार ही हो, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई भी चला आया उठ के, ठीक है ना। इतने दूर वीज़ा लेके फ्लाइट पे बैठ के आए हो तो अच्छे ही होगे, समझदार होगे, सब समझदार हैं, तो आपको पता है एजेंट कौन अच्छे हैं कौन ख़राब हैं, तो कुछ अच्छे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, ठीक है ना। 90% ख़राब ही फ्रॉड होते हैं, तो एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। अगर विजिट वीज़ा पे आएँ तो एजेंट के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िएगा, ठीक है ना। चाहे आप दूसरी जॉब पकड़ लीजिए, 6 महीने बाद छोड़ दीजिएगा, लेकिन एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। बस कौन एजेंट अच्छा है कौन ख़राब है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अब कभी ऐसा नहीं, लेकिन एजेंट के चक्कर में पड़ना नहीं, एजेंट मतलब फ्रॉड, बस इतना मैं जानता हूँ। वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो को और आप चाहते हो मैं वॉक इन इंटरव्यूज़ बनाऊँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हाई होता है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।